आज 16 अगस्त 2024 को भारत ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित सदैव अटल स्मारक पर वाजपेयी को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि, पूरा देश अटल जी को उनके देश के प्रति योगदान के लिए याद करता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम समर्पित कर दी। हम उनके सपने को पूरा करने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। उन्होंने इसके साथ ही श्रद्धांजलि समारोह की तस्वीरें भी साझा की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के घटक दलों के नेताओं ने भी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश को सामरिक और आर्थिक रूप से मजबूती दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाजपेयी को नए भारत का निर्माता और सुशासन का आदर्श प्रतिमान बताया और कहा कि उन्होंने अपने दूरदर्शी नेतृत्व में देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा, उनका जीवन और समर्पण हम सबके लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। सदैव अटल स्मारक पर एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। वाजपेयी को 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल 1996 में मात्र 13 दिनों का था, लेकिन बाद में उन्होंने 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। पोखरण परमाणु प्रशिक्षण सहित कई ऐतिहासिक निर्णयों के लिए उन्हें याद किया जाता है।